वही एमपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने घोषित कर दिया है। इस बार रिजल्ट 68.18% रहा, जो 2019 के मुकाबले 3.56% कम है। 2019 में रिजल्ट 72.37% रहा था। हर साल की तरह इस बार भी छात्राओं ने ही बाजी मारी। छात्राओं का रिजल्ट 73.40% रहा, जबकि छात्रों का रिजल्ट रहा है 68.94%। प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट 28.70% रहा, जिसमें भी छात्राओं ने ही बाजी मारी है। साथ ही इस बार सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 71.43% रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट रहा है 64.93%। हरदा जिले के छात्रों ने बाजी मारी है। हरदा जिले के छात्रों का रिजल्ट रहा है 81.97%, जबकि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों का रिजल्ट काफी कम रहा है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम टॉपर्स के नाम भी आपको बता रहे हैं। 12वीं बोर्ड के एग्जाम में कला समूह में रीवा की खुशी सिंह ने 486 अंक हासिल किए, टॉप किया। वहीं गणित समूह में मंदसौर की प्रिया लाल ने 495 अंकों के साथ टॉप किया है। कॉमर्स समूह में नीमच के मुफद्दल अबरीवाला ने 87 अंकों के साथ टॉप किया है। वहीं कृषि समूह में शिवपुरी के गौरव ओझा ने 483 अंकों के साथ टॉप किया। आर्ट्स और होम साइंस ग्रुप में छतरपुर की शुभांशी मिश्रा ने 444 अंकों के साथ टॉप किया है। वहीं बायोलॉजी समूह में शिवपुरी के अनुष्का गुप्ता ने 490 अंक लाकर टॉप किया। वहीं मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिजल्ट आने पर सभी छात्रों छात्राओं को बधाई दी है। वो आपको ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारी मेहनत का ये सुखद परिणाम है। उज्जवल भविष्य के लिए सतत श्रम करते रहो। शिक्षा से ही हमारे सपने साकार होंगे। तुम सफल हो, आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी भांजे भांजियों को हार्दिक बधाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर बधाई दी है छात्रों को। एमपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए, वो निराश ना हो, हार ना माने। जिंदगी में कई अवसर आएंगे, प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आप सफल होंगे।